जबलपुर में ताइक्वांडो प्रशिक्षक मनोज बेलिया के बहकावे में ताइक्वांडो खिलाड़ी द्वारा अपने ही पूर्व प्रशिक्षक राजकुमार यादव शिवानी बेन पर 8 महीने बाद छेड़खानी एवं मारपीट का सिटी कोतवाली थाना जबलपुर में दर्ज झूठे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हेतु मानव क्रीड़ा एवं कला एकेडमी ऑफ इंडिया एवं एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन जबलपुर ने पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मानव क्रीड़ा एवं कला एकेडमी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुड्डू नबी एवं मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शानू यादव ने बताया कि राजकुमार यादव विगत 26 वर्षों से खिलाड़ियों को आत्मरक्षा मार्शल आर्ट ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देकर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश राज्य के कोच के रूप में प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, परंतु विगत दिनों ताइक्वांडो प्रशिक्षक मनोज ने षड्यंत्र रचते हुए ताइक्वांडो खिलाड़ी का सहारा लेकर ताइक्वांडो प्रशिक्षक राजकुमार यादव व शिवानी बेन पर छेड़खानी एवं मारपीट का झूठा प्रकरण दर्ज कराकर राजकुमार यादव व शिवानी बेन की छवि को समाज में धूमिल किया गया है। राजकुमार यादव एवं शिवानी बेन पर ताइक्वांडो खिलाड़ी द्वारा सिटी कोतवाली थाना में दर्ज प्रकरण को निष्पक्ष जाँच हेतु मानव क्रीड़ा एवं कला अकेडमी एवं MP वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के समस्त पदाधिकारियों सभी खिलाड़ियों ने ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। पुलिस का कहना है मामला जांच में है, जांच के बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज हम इसलिए आए हैं कि हमारे सर के ऊपर एक गलत आरोप लगाया गया है हमारे क्लब की एक छात्रा के द्वारा, जो कि ये बहुत गलत बात है क्योंकि इससे सर की रेपुटेशन साथ साथ क्लब की भी रेपुटेशन जा रही है। और हमारे सर हमेशा गर्ल्स को मोटिवेशन देते हैं, लेकिन एक लड़की के द्वारा हम सबका मोटिवेशन बिल्कुल डाउन होते जा रहा है हमारे खेल के प्रति, क्योंकि हमारा खेल खुद लड़कियों को आगे कर रहा है, बट क्या बोलते हैं, इस लड़की के द्वारा हमारे खेल की बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है। और हमारे सर की इतनी रेपुटेशन, इतने आज अभी कुछ सालों से, बहुत सालों से सर, मतलब हम लोग ने सुना है कि वो बहुत सालों से इस खेल को खिला रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मतलब उनसे जुड़े हुए कितने लोग हैं, कितनों को हमने देखा है कि सर के पास आते हैं मिलने के लिए, लेकिन ये लड़की इसके कारण हमारे सर का बहुत, मतलब उनके रेपुटेशन पे। आपने कभी ऐसा कुछ देखा राजकुमार यादव किसी बच्चे बच्ची के साथ? नो सर। आप लोग किस चीज में खेल आप लोग का? ताइक्वांडो। आप लोगों का ताइक्वांडो का कहाँ पे मतलब है इसका? आप लोग का रामपुर कालीबाड़ी। अपना नाम? मिताली यादव। यादव के ऊपर साक्षी जायसवाल, जो कि इनकी पूर्व छात्रा थी, 2 साल पहले इनके पास ताइक्वांडो खेल सीखती थी, इसके द्वारा झूठा आरोप लगाया गया कि इनके प्रशिक्षक राजकुमार के द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की गई। वर्तमान में ये साक्षी जो है मनोज बेलिया, जो प्रशिक्षक ताइक्वांडो के प्रेसिडेंट दूसरी ब्रांच में, उसके बाद प्रशिक्षण ले रही है। इस महिला ने, इस बच्ची ने बहकावे में आके अपने प्रशिक्षक के राजकुमार जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए कि इन्होंने इसके साथ छेड़छाड़ की, मारपीट की। इसको लेकर इसमें यह भी हुआ, उसने एक आवेदन दिया कोतवाली थाने में, कोतवाली TI के द्वारा बिना जाँच किए प्रशिक्षक राजकुमार यादव जानकारी लेने गए वहाँ पर कि क्या हुआ, कैसा क्या है, तो उसको थाने में बैठा लिया गया वहीं पर, वहाँ से उनको उठा के जेल पहुँचा दिया गया बिना जाँच किए। इसको लेकर संगठनों के लोग, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहे इसमें न्यायिक जांच हो, जो इसमें दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई है। क्या कारण है भैया, क्यों लगा रही है? कुछ तो कारण होगा, प्रतिस्पर्धा है जी। एक ही संगठन के दो प्रशिक्षक हैं, दोनों की प्रतिस्पर्धा है, उसने उठा के मतलब हीन भावना के तहत बच्ची को इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ बरगला। नाम बता दें? गुड्डू नबी। ऐसा ज्ञात हुआ कि हम लोग उसके घर में वार्तालाप करने गए थे कि आपको जो मुश्किल से नोटिस मिली करके, तो उन्होंने आके हम लोग के खिलाफ यहाँ FIR दर्ज की थी। तो हम लोग को जैसे प्राप्त होता, हम अपने साथी सहित, हम जयराज और हमारे एक मित्र है, हम लोग बस पूछने गए थे थाने प्रभारी महोदय के थाने में कि क्या हम लोग के खिलाफ ऐसा कुछ है क्या करके। उनका कहना आपके खिलाफ कुछ नहीं, बहुत कुछ है, आप यहाँ बैठी करके तत्काल उन्होंने बैठा दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 7 साल की, अगर जिसको भी अगर सजा होती है तो मुचलके में उसको छोड़ा जाता है। उन्होंने ऐसा ना करते हुए गाली गलौज करके बदतमीजी भी किए और हमें जेल पहुँचा दिए। ना जाने ऐसे मैंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया जिसका परिणाम आज मुझे भुगतना पड़ रहा है और मैं जेल भी इस खिलाफ में भी रहा 2 दिन। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।